अमृता प्रीतम पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थीं। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री माना जाता है। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनमें सबसे अधिक चर्चित उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट रही। अमृता 31 अगस्त 1919 में गुंजरावाला में पैदा हुई। अब ये जगह पाकिस्तान में है। 16 साल में पहला कविता संग्रह अमृत लहरें छप गया। अमृता प्रीतम की शादी तो 16 साल के होने तक ही हो गई थी, लेकिन कभी वो इस शादी से खुश ना हो सकी। 1960 के दशक में अमृता ने अपने पति प्रीतम सिंह को छोड़ दिया था। शायर साहिर लुधियानवी पहली बार लेखिका अमृता प्रीतम से मिले थे। जगह थी लाहौर और दिल्ली के बीच स्थित प्रीतनगर। किस्मत का फेर देखिए कि मोहब्बत के इस अफसाने का आगाज ऐसी जगह से हुआ जिसका नाम ही प्रीतनगर यानी प्यार की नगरी था। अमृता दिल्ली में रहती थी, साहिर लाहौर में। दो मोहब्बत करने वालों के बीच की इस दूरी को दूर किया खतों ने। जिस्म दूर थे मगर दिल करीब और रूह एक। अमृता के खतों को पढ़ें तो मालूम होता है कि वो साहिर के इश्क में दीवानी हो चुकी थी। अमृता उन्हें मेरा शायर, मेरा महबूब, मेरा खुदा और मेरा देवता कहकर पुकारती थी। लेकिन साहिर शायर भी थे और शायर का जुनून किसी बंदिश में बंधने को राजी नहीं होता। यही साहिर के साथ भी हुआ। उन्होंने अमृता से मोहब्बत तो की मगर अधूरी। एक वक्त था जब अमृता और साहिर दोनों लाहौर में रहा करते थे। फिर मुल्क तकसीम हो गया। अमृता अपने पति के साथ दिल्ली आ गईं, साहिर मुंबई में रहने लगे। अमृता अपने प्यार के लिए शादी तोड़ने को तैयार थी, मगर साहिर कभी अमृता को पूरी तरह अपनाने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हो सके। फिर भी अमृता से अपनी मोहब्बत को लेकर उन्होंने 1964 में आई फिल्म दूज का चांद में एक गीत लिखा था। महफिल से उठकर जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम, तुम आबाद घरों के वासी, मैं आवारा और बदनाम। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता प्रीतम ने साहिर के साथ हुई मुलाकातों का जिक्र किया है। वो लिखती हैं कि जब हम मिलते थे तो जुबा खामोश रहती थी, नैन बोलते थे, दोनों बस एक टक एक दूसरे को देखा किए। और इस दौरान साहिर लगातार सिगरेट पीते रहते थे। मुलाकात के बाद जब साहिर वहां से चले जाते तो अमृता प्रीतम उनके बचे हुए सिगरेट के टुकड़ों को पीती थी और उनकी छुअन को महसूस करने की कोशिश करती थी। यहीं से धीरे धीरे अमृता प्रीतम को सिगरेट पीने की आदत सी लग गई। मुंबई में एक बार अमृता साहिर और उनकी माँ से मिलने आई थी। उनके जाने के बाद दोस्तों के सामने ही साहिर ने अपनी माँ से कहा, माँ जी ये अमृता थी, जानती हो ना, ये आपकी बहू बन सकती थी। साहिर ने ताउम्र शादी नहीं की। लोग कहते हैं कि साहिर के लिखे गीत अमृता के लिए उनकी मोहब्बत बयां करते हैं। अगर अमृता साहिर की पी हुई सिगरेटों के टुकड़े संभाल कर रखती थी तो साहिर भी अमृता की पी हुई चाय की प्याली संभाल कर रखते थे। कहा तो ये भी जाता है कि साहिर ने बरसों तक वो प्याला नहीं धोया जिसमें अमृता ने चाय पी थी। मगर मोहब्बत का ये सिलसिला उस वक्त टूट गया जब साहिर 1960 में गायिका सुधा मल्होत्रा पर फिदा हो गए थे। हालांकि साहिर और अमृता के इश्क का खात्मा साहिर के सुधा मल्होत्रा की तरफ झुकाव से हुआ, मगर वो कभी अमृता को दिल से निकाल नहीं पाए। अमृता ने अपनी जिंदगी में मौत को बहुत करीब से देखा था और उन्हें मौत भी बेहद आरामदायक मिली थी। शायद 31 अक्टूबर 2005 को अमृता नींद में ही चल बसी थी। ऐसी मोहब्बत के लिए मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू एक बार फिर पर्दे पर अपना जादू साथ दिखाने को तैयार नजर आ रहे हैं। इस बार ये जोड़ी साथ काम करने जा रही है फिल्म थप्पड़ में। इस फिल्म की जानकारी अनुभव सिन्हा ने दी थी और बताया था कि उनकी फिल्म अगले साल 6 मार्च को रिलीज हो रही है। अब तापसी ने एक फोटो पोस्ट कर इशारा किया है कि वो अमृता प्रीतम की भूमिका में नजर आने वाली हैं। तापसी ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट की है। तापसी ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति किसी महिला की ताकत को मानने से इनकार कर दे तो इसका मतलब है कि वो खुद के अवचेतन मन को मानने से इनकार कर रहा है। अमृता प्रीतम एक अमृता से दूसरी अमृता की ओर बढ़ती हुई, मैं तेनु फिर मिलांगी थिएटर में 6 मार्च 2020 से। एक और जहां अमृता प्रीतम के जन्म के 100 साल होने पर उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर मशहूर शायर एवं गीतकार साहिर लुधियानवी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपने गीतों से गुलजार कर दिया था, उनके लिखे गीत ढेर सारे बेशकीमती हस्तलिखित पत्र, डायरियां, नज़में और उनकी श्याम श्वेत तस्वीरें मुंबई में कबाड़ की एक दुकान से मिले।
एक गैर लाभकारी संगठन ने इन चीजों का संरक्षण करने के लिए इन्हें महज 3,000 रुपए में खरीदा है।